भूगोल की इस वीडियो सीरीज में आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ना शुरुआत करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की नदियां जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मतलब इस वाले पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से हमको करना है, वन डे एग्जाम के हिसाब से करना है। जितनी चीज़ें बताऊँगा वन डे एग्जाम के हिसाब से वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। भारत की नदियाँ या भारत का अपवाह तंत्र भी कह सकते हैं, ठीक, जिसमें मैंने आज उठाया है सिंधु नदी अपवाह तंत्र। मतलब सबसे उत्तर में बहने वाली नदी जो है भारत की, या भारत से होकर गुजरने वाली नदी सिंधु नदी के बारे में आज हम पढ़ना चालू करेंगे। उससे पहले भारत की नदियों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि भारत की नदियाँ ठीक, भारत की नदियों को दो भाग में विभाजित करते हुए मैं इसको कर देता हूं उत्तर भारत की नदियां और दूसरे रूप में विभाजित करते हुए प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। उत्तर भारत की नदियों में और ज्यादा वर्गीकृत करें तो एक हो जाएगा सिंधु नदी अपवाह तंत्र, मतलब सिंधु नदी एवं उसके अंतर्गत आने वाली उनकी सहायक नदियां। दूसरा बात करूं गंगा नदी का अपवाह तंत्र, और तीसरा उत्तर भारत की नदियों के बारे में अगर मैं वर्गीकरण करूं तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, ठीक। प्रायद्वीपीय नदियों को दो भाग में विभाजित मैं कर सकता हूं, एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी या बहने वाली नदियां, और दूसरा पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, ठीक है दोस्तों। तो यह मुख्य रूप से भारत की नदियों का मैंने वर्गीकरण कर दिया, उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत। उत्तर भारत के अंतर्गत तीन मुख्य नदियां और उनके अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसे आप पहले देखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत बहने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां, और उसमें भी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां और एक है पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां, उसको भी मैंने विभाजन कर लिया। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत, इस वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाली विभिन्न नदियों के बारे में हमको पढ़ना है। क्या क्या बातें पढ़ना है, वो उस नदी का उद्गम किस क्षेत्र से हुआ है, ठीक, उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो उस नदी के अंतर्गत बनाई गई है। इतनी बातें मुख्य रूप से करते हुए कुछ और विशेष अगर बातें होंगी उस नदी से संबंधित तो वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। सबसे पहले मैं उत्तर भारत की नदियों को लेते हुए भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र से बहने वाली नदी के बारे में बात करूंगा, और वो है सिंधु नदी। चलिए, सिंधु नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली कितनी नदियां देख लीजिए, एक खुद सिंधु नदी होगी और उसके अलावा पांच अन्य नदियां होंगी जो किसी ना किसी रूप में सिंधु नदी की सहायक नदी होने वाली है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी की। देखिए भारत का नक्शा है, यह कौन सा राज्य है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, ठीक है। यह एरिया है, नीचे नीचे आएंगे इधर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, ठीक। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा गैस आपको करते जाना है कि कहाँ से नदियाँ बहते हुए जा रही है, देखते जाइए। कुल मिलाकर छह नदियाँ हैं, ठीक, लेकिन इस प्रदेश को नदियों के तौर पर ऐतिहासिक रूप से सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। सप्त मतलब सात, सैंधव मतलब सिंधु नदी से संबंधित प्रदेश, मतलब सप्त सैंधव प्रदेश। अब छह नदी है, सप्त सैंधव प्रदेश क्यों, एक नदी जो है वो पौराणिक रूप से यह कह सकते हैं वो नदी जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है जिसे हम कहते हैं सरस्वती नदी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में बहने वाली कुल सात नदियां थी ऐतिहासिक तौर पर, जिसमें से वर्तमान में हमको छह नदियों के बारे में पढ़ना है। एक नदी विलुप्त प्राय हो चुकी है और वो जो है सरस्वती नदी। इस प्रकार कुल मिला के सात नदियां होती थी, इस वजह से इस पूरे प्रदेश को क्या कहा जाता था, सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है।
लेकिन वर्तमान में छह नदियों के बारे में पढ़ना है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। सबसे ऊपर बहने वाली नदी दिख रही है आपको, क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के जस्ट नीचे देखिए, उत्तर से दक्षिण में मैंने नदियों का क्रम लिख के रख लिया है। सबसे ऊपर में सिंधु नदी, जस्ट उसके नीचे जो नदी आपको दिखाई देगी वो होगी झेलम। मतलब यहां पर कौन सी नदी है? झेलम, जे लिख दिया। हो सकता है पूरा नाम लिखना चाहे तो लिख लीजिए बिल्कुल, लेकिन यहां पर स्थान की कमी होने की वजह से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। झेलम के नीचे आप देखिए, झेलम के नीचे कौन सी नदी आएगी? चिनाब। चिनाब तो यहां पर लिख दिया सी, चिनाब। चिनाब के नीचे देखिए जो यहां से बह रही है वो है रावी, यहां पर लिख दिया मैंने रावी, आर। यह छोटी सी नदी हिमाचल प्रदेश से निकल के ये इस मुख्य नदी में मिल रही है, मतलब ये जो छोटी सी नदी दूसरी नदी में मिलती हुई दिखाई दे रही है वो कौन सी नदी है? ब्यास नदी। व्यास बोले या ब्यास बोले दोनों एक ही है, चलिए मैं इसको ब्यास नदी कह देता हूँ, ब्यास नदी, ठीक है। और ब्यास नदी की जो सबसे नीचे नदी है, ये जो सबसे नीचे नदी यहाँ से निकलती हुई रकसताल झील से निकलती हुई जो जाके मिल रही है चिनाब नदी में, वो है सतलज नदी। सतलज मतलब एस, ठीक। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ये जो मैंने नदी का क्रम लिखा हुआ है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है इसका क्रम। हालांकि क्रम आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको क्रम याद होना चाहिए, ओके। चलिए हर एक नदी के बारे में विशेष बातें हम करेंगे, देखते जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उद्गम की, और सबसे पहले बात करने वाले हैं हम इन सभी नदियों में सिंधु नदी के बारे में। सबसे पहले ध्यान रखिए सिंधु नदी के बारे में कि इसकी कुल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है, ध्यान रखिए 2900 किलोमीटर पूरी लंबाई भारत के अंदर नहीं है, ध्यान रखिए। सबसे पहले कहां से निकल रही है? मानसरोवर मतलब तिब्बत के पठार से, तिब्बत के पठार से होते हुए प्रवेश कर रही है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से होते हुए चले जा रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान में, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, मतलब 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई मोटी मोटी 1150 किलोमीटर के आसपास है, उतना आपको याद में नहीं करना है। तो इस प्रकार से इसकी लंबाई बताने का तात्पर्य यह था कि आपको ध्यान में रखना है भारत से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वो यही नदी है, सिंधु नदी, ठीक है। भारत से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी होगी। अब भारत से होकर मैंने क्यों कहा, भारत की नदी क्यों कहा, क्यों नहीं कहा? क्योंकि यह भारत की नदी नहीं है, भारत से होकर गुजर रही है लेकिन भारत की नदी नहीं है। क्यों? दो महीनों में ध्यान रखिए। सबसे पहले तो इसका उद्गम भारत नहीं है, तिब्बत है, तिब्बत का पठार मानसरोवर झील, ठीक है, तिब्बत। दूसरा, यह भारत में बहती हुई पाकिस्तान में जा रही है, लेकिन 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ था 1960, जिसके अंतर्गत यह शुरू की जो तीन नदियां हैं, यह शुरू की जो तीन नदियां हैं कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब, यह पाकिस्तान को दे दी गई थी। और बची हुई जो तीन अन्य नदियां हैं वह भारत की नदियों के रूप में घोषित किया गया था। इसका यह मतलब नहीं होगा कि इनके इन नदियों के जल को भारत प्रयोग में नहीं ला सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन नदियों के जल को भी भारत प्रयोग में ला सकता है, बस ये आपको नहीं करना है, मतलब भारत को नहीं करना है कि इस नदी के अंतर्गत कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब कोई भी डैम मतलब बांध या एनीकेट इसमें बनाकर इसके जल धारा को भारत में रोका नहीं जा सकता। इस समझौते का मतलब ये है, इसके जल को बिल्कुल यूज किया जा सकता है लेकिन इसमें बांध एनीकेट बना के इसके जल की धारा को नहीं रोका जा सकता, ठीक है। तो इन तीन नदियों को पाकिस्तान को दे दिया गया, और अन्य तीन नदी जो रावी, ब्यास, सतलज है, ठीक, नीचे वाली तीन नदियां वो भारत को दे दिया गया 1960 के सिंधु जल समझौते के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी सिंधु नदी। अब इसका उद्गम देखिए, यहां से उद्गम हो रहा है तिब्बत के पठार मतलब मानसरोवर झील से। तो चाहे एग्जाम में ऑप्शन से देख लीजिएगा, तिब्बत के पठार होगा तो तिब्बत का पठार आंसर मार देना है, और नहीं तो झील अगर आपसे पूछेगा तो मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है, ठीक। सिंधु नदी के बारे में इतनी बातें हो गई, कुछ और बातें आपको जाननी है सिंधु नदी के बारे में, ध्यान रखिए। परियोजना मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसके अंतर्गत, परियोजना देख लीजिए, वो एग्जाम पे डिपेंड करेगा परियोजना पूछता है नहीं पूछता है, ठीक। तो परियोजना का नाम सुन लीजिए, अगर आपको लगता है यह महत्वपूर्ण है तो बिल्कुल उसे कर लीजिएगा।
नीमू बालू परियोजना, नीमू बालू परियोजना और चूखा जल परियोजना सिंधु नदी के अंतर्गत चलने वाली परियोजना है। चूखा जल परियोजना और नीमू बालू परियोजना, ये दो परियोजना का नाम आप याद रखिए सिंधु नदी से, ठीक। पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ही बह रही है और किसी भारत के किसी राज्य में नहीं बह रही है यह सिंधु नदी, ठीक। उद्गम हमने देख लिया, लंबाई हमने देख लिया, कुछ विशेष बातें हमने देख ली और साथ ही साथ इसके अंतर्गत चलने वाली परियोजना को भी हमने देख लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे पहले चिनाब नदी की, क्योंकि चिनाब नदी के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है और झेलम जो है चिनाब की सहायक नदी है। देखिए उसका मैं एक फ्लो डायग्राम आपको बना के बता दूंगा और यहां से आपको दिख भी रहा होगा। चलिए देखते जाइए, थोड़ा क्लीन कर देते हैं सो दैट समझने में आपको काफी आसानी हो। चलिए देखिए ये सिंधु नदी बह रही है इस डायरेक्शन में, पूरा पाकिस्तान में जा रही है, अरब सागर में मिल जा रही है। अब आप देखिए इस सिंधु नदी में कौन सी नदी जाके मिल रही है सबसे पहले, तो देखिए झेलम, झेलम जो है यहां से शुरुआत होकर किसमें मिल रही है, इस वाले नदी में। ये वाली नदी कौन सी है, यहाँ से निकलती हुई, मतलब सी से चिनाब, चिनाब नदी यहाँ से निकलती हुई कहाँ जा रही है, ये सिंधु नदी में। मतलब चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये मैंने एरो कर दिया, ये क्या डिनोट कर रहा है, सहायक नदी, ठीक। चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, उसमें भी आपको दिखना दिख पा रहा होगा। अब आप देखिए यहाँ जो दूसरे नंबर पे नदी है उत्तर से दक्षिण की तरफ आने पे झेलम, जैसे झेलम, झेलम कहाँ जाके मिल रही है, झेलम होते हुए जाके मिल रही है चिनाब में। मतलब झेलम किसकी सहायक नदी होगी, चिनाब की, ठीक। चलिए पूरा सहायक एक साथ देख लेते हैं, चिनाब हो गया जाके सिंधु में मिल रही हो गया, यहाँ से देखिए यहाँ से निकल रही हिमाचल प्रदेश से एक आर, आर से मतलब रावी नदी, रावी नदी भी किसमें जाके मिल रही है, देखिएगा यहाँ से जाके वो भी चिनाब नदी में मिल जा रही है। मतलब रावी नदी भी जो है किसकी सहायक हो गई, चिनाब की। एरो मतलब वो उसकी सहायक नदी होगी, यह एरो मतलब है रावी चिनाब की है, यह एरो मतलब झेलम चिनाब की है, इधर एरो किया मतलब चिनाब सिंधु की है, क्लियर है। और देखिए यहाँ से राकसताल झील से निकलती हुई एक नदी एस लिखा हुआ है, मतलब सतलज, सबसे नीचे बहने वाली नदी सतलज नदी जाके मिल रही है फिर से कहाँ पर, सिंधु नदी के पहले चिनाब नदी में, ठीक। मतलब सतलज नदी भी किसकी सहायक है, चिनाब की। तो देख लीजिए सिंधु की सहायक चिनाब और चिनाब की कितनी सारी सहायक, झेलम रावी सतलज, ठीक। एक नदी यहां पर रह गई ब्यास, किसकी सहायक है, सतलज की, देखिए सतलज में जाके मिल रही है, ठीक। तो ब्यास नदी जो है वो सतलज की सहायक होगी, ठीक है। सभी को क्लियर होगा आई होप, मैंने एरो से लेकर बता दिया है, बहुत ही इजी वे में बताया है आपको, और इस तरीके से अगर आप याद करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होने वाली है याद करने में। ये पूरा मैप रख लिया है आपने, आप चाहे तो प्रैक्टिस के तौर पे बना सकते हैं, इसी ऑर्डर में याद करिए। अगर थ्योरी के फॉर्म में याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा, मानिए कन्फ्यूजिंग है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा याद करने में, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, है ना। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बात बताने वाला हूँ चिनाब नदी के बारे में, झेलम से पहले मैं आपको चिनाब नदी के बारे में बताऊँगा। देखिए तीन नदी इस क्षेत्र से उद्गम हो रही, तीन नदी का, चिनाब रावी ब्यास, और यह कौन सा क्षेत्र है, यह कौन सा क्षेत्र है, कौन सा राज्य है बोलना चाहिए भारत का, हिमाचल प्रदेश। तो यह तीनों नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलेगी, कौन कौन सी, चिनाब रावी और ब्यास, ठीक। तो चिनाब नदी का उद्गम, चिनाब नदी का उद्गम बड़ा लापचा लॉ या बड़ा लापचा दर्रा से इसका उद्गम होता है,
मतलब ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। साथ ही साथ इसका पौराणिक नाम, किसी भी नदी का पौराणिक नाम भी आपको याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिनाब का पौराणिक नाम होगा अस्किनी, अस्किनी नदी, ये पौराणिक नाम आप याद रखें, ठीक है। चिनाब नदी दो मुख्य धाराओं से मिलकर बनी है, एक चंद्र और भागा, ये दो अलग अलग धाराएं हैं जो जम्मू कश्मीर में जाके चिनाब नदी का रूप ले लेती है। हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए थोड़ा सा प्रवेश करती है कहां पर? जम्मू कश्मीर। तो ये दो धाराएं, चंद्र और भागा, दो धाराएं जम्मू कश्मीर में जाके चिनाब नदी का रूप ले लेती है। तो मतलब ये मुख्य रूप से दो धाराओं से मिलकर बनी है, चंद्र और भागा, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। परियोजना ध्यान रख लीजिए, परियोजना चिनाब नदी से संबंधित सलाल परियोजना, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, और एक और परियोजना बगलीहाल, बगलीहाल परियोजना। ये तीन परियोजना आपको चिनाब नदी से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया चिनाब नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी चीजें नोट कर लीजिएगा। अगली नदी जो बात करूंगा मैं चिनाब के ऊपर बहने वाली नदी, जो चिनाब की सहायक नदी है, वो है झेलम नदी। झेलम नदी के बारे में चलिए हम बात करते हैं। झेलम नदी चिनाब की सहायक नदी, पौराणिक नाम याद रखें वितस्ता, वितस्ता, वितस्ता नदी, पौराणिक नाम महत्वपूर्ण है, ठीक। उद्गम कहां से हो रहा है? उद्गम देखें झेलम का, झेलम का उद्गम हिमाचल प्रदेश के ऊपर वाले राज्य, जो भूतपूर्व राज्य था जम्मू कश्मीर, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब जम्मू कश्मीर क्षेत्र से ही इसकी उत्पत्ति हो रही है। जम्मू कश्मीर के पर्टिकुलर अगर झील का नाम पूछे तो शेषनाग झील, शेषनाग झील, ठीक, यह ध्यान रखें। झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। वितस्ता नदी पौराणिक नाम, परियोजना सुन लीजिए, इसके अंतर्गत आने वाली परियोजना का नाम सुन लीजिए, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना एवं एक और परियोजना इसके अंतर्गत थी, तुलबुल हो गई और हां किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना। परियोजना के अंतर्गत या तो वाटर सेव करके रखेंगे जो कृषि कार्यों में यूज होगा, या तो उससे विद्युत संचालन होगा, मतलब विद्युत निर्माण होगा, ठीक है। यह सारे परियोजना का मतलब है कि उसके अंतर्गत क्या बनाया जाएगा, ठीक है, या कैसे उसके वाटर को यूज किया सकता है, इसके संबंध में जो बनाया जाता है योजना उसको परियोजना कहते हैं, नदी परियोजना, ठीक है। तो ये हो गया झेलम के संबंध में बातें। तो हमने तीन नदी के बारे में विशेष बातें देख ली, ठीक, ऊपर की तीन नदी। चलिए बची हुई तीन नदियों के बारे में बात करते हैं, जो रावी है, ब्यास और सतलज। चलिए देखते हैं, रावी नदी, रावी नदी का पौराणिक नाम होगा परुषणी या पौरुषणी नदी, ठीक है, पौराणिक नाम परुषणी या पौरुषणी, रावी नदी, ठीक। उद्गम देख लीजिए, अब देखिए इधर, यह जो दो नदियां हैं कौन कौन सी, रावी और ब्यास, रावी और ब्यास, देखिए दोनों हिमाचल प्रदेश से है, ठीक। चिनाब तो हिमाचल प्रदेश से हो गया, बचे दो नदी भी हिमालय से कौन कौन, हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी, रावी और ब्यास। तो रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश से तो हैं, इनका उद्गम, दर्रे का नाम आपको याद रखना है रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास या रोहतांग दर्रा इनका उद्गम स्थल होगा, रावी और ब्यास दोनों का। और यह रोहतांग दर्रा कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों नदियों का उद्गम रावी और ब्यास का संयुक्त रूप से आपको याद में रखना है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। रावी नदी का
पौराणिक नाम हो गया और इसका उद्गम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और याद रखना है ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी यहां पर मैं लिख रहा हूं, ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है देख लिया हमने, सतलज में जाके मिलेगी, सतलज की सहायक नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी और इसके बारे में जैसे कि मैंने बताया इसका उद्गम कहां से होगा, रोहतांग दर्रा से, हिमाचल प्रदेश से, ब्यास नदी का, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा, हाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है, जो दशराग यज्ञ हुआ था इसी नदी के किनारे हुआ था, दशराग यज्ञ, ठीक है। ये इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है, ब्यास नदी से संबंधित। अच्छा एक और बात जो बताना मैं भूल रहा हूं, इसका पौराणिक नाम बिपाशा, बिपाशा, बिपाशा नदी पौराणिक नाम, ठीक। आगे बात करें सतलज नदी, सतलज नदी का उद्गम यहीं पर देख लीजिए, सतलज नदी का उद्गम यहां पर लिखा हुआ है, ये सतलज नदी है। सतलज नदी का उद्गम होगा राकसताल झील, राकसताल झील कहां पर है फिर से, तिब्बत वाले क्षेत्र में, मतलब तिब्बत का पठार। राकसताल झील होते हुए जाके मिल रही है चिनाब नदी में, मतलब चिनाब की सहायक नदी होगी, ठीक। पौराणिक नाम आप याद रख लीजिए यहां से, शतुद्री, शतुद्री पौराणिक नाम। तो यह थी इस प्रकार सिंधु नदी अपवाह तंत्र, मतलब सिंधु नदी और पांच अन्य नदियां, कुल मिलाकर छह नदियां जो भारत के सबसे उत्तर क्षेत्र जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से उद्गम जिनका होता है, ठीक है। और मुख्य रूप से जाके कहां मिल जाती है, ये अरब सागर में, सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है। बाकी जाके तो सारी नदी किस में मिल रही है, चिनाब सिंधु में मिल रही है, और बाकी जो नदियां हैं वो चिनाब में मिल रही है, और चिनाब में कुछ नदी मिल रही है, ठीक है। और एक नदी जो ब्यास है वो सतलज में जाके मिल रही है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा सतलज नदी के बारे में जो परियोजना है वो ध्यान रख लीजिए, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध आपने सुना भी होगा, तो उसी परियोजना, किस परियोजना के अंतर्गत, भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था, भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत कहां पर, पंजाब में, ठीक। हरिके बैराज सुन लीजिए, हरिके बैराज भी सतलज के अंतर्गत आने वाली एक परियोजना है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है नदियों के बारे में। सारी की सारी नदी कहां से बह रही है, उत्तर से, उत्तर से पश्चिम की तरफ, ठीक है, या दक्षिण पश्चिम की तरफ, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये प्रवाह की दिशा है, सारी नदी हो गई सिंधु नदी अपवाह तंत्र के संबंध में। तो अभी के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, अगले वाले वीडियो में हम गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को एक साथ लेंगे, और फिर अगले क्लास में प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करेंगे। मतलब इस नदी वाले चैप्टर से तीन वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।